जो लोग भी इंटर पास हैं वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं आती है, सब ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। CSIR IICB की रिक्रूटमेंट 2022 इंटर वालों के लिए ही आई हुई है, इसमें 12th पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो लोग इंटरमीडिएट पास किए हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। तो लोग सोचेंगे क्या ये वैकेंसी प्राइवेट है, तो जी नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 30,000 से लेकर के 38,000 तक इसमें पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। कौन कौन से पोस्ट है, तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के और स्टेनो दो तरह की इसमें वैकेंसी आई हुई है। बात करें लास्ट डेट की तो 24 अगस्त 2022 लास्ट डेट है, जबकि अप्लाई ऑनलाइन 4 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है या पूरी तरह से परमानेंट जॉब। तो सबसे पहले तो CSIR यहाँ देख सकते हैं, और साथ ही IICB का मतलब हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इसकी हिंदी यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। ये सारी वैकेंसी, इस तरह की वैकेंसी आती तो है लेकिन लोग ज़्यादा जान नहीं पाते हैं और इसीलिए लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाते और ये वैकेंसी खाली रह जाती है, अथवा वही लोग इसमें अप्लाई कर पाते हैं जो इम्प्लाई इससे जुड़े हुए हैं और वो अन्य लोगों को बता रहे हैं, ऐसे लोगों को ही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 4 अगस्त से ही ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जबकि अभी काफ़ी दिन शेष है, 24 अगस्त लास्ट डेट है। बात करें इसमें पदों की संख्या की, तो पदों की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा डिटेल लिखा हुआ है। कौन कौन से पोस्ट हैं, तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के, SNP के और FNA के, ठीक है, ये सारे पोस्ट हैं। बात करें इसमें क्या मैक्सिमम एज है, तो 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम का कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। बात करें एक और पोस्ट इसमें है स्टेनोग्राफर का, जिसमें आपको फिर इंटर चाहिए और साथ ही साथ अगर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है तो लास्ट में आपसे शॉर्ट हैंड तो करवाया ही जाएगा, तो पहले तो एग्ज़ाम होगा। इसमें 38,000 सैलरी है और बात करें इसमें मैक्सिमम एज की तो 27 साल है, बाकी मिनिमम का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर पता लगा कि क्या एग्ज़ाम में आएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा जो कि 2.5 घंटे दिए जाएंगे, इंटर बेस्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और एग्ज़ाम का लैंग्वेज जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो इंग्लिश होगा वो तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश में ही होगा, लेकिन बाकी जो हिंदी में हो सकता है सारे लैंग्वेज आपके हिंदी में होंगे, सारी बातें आप समझ पाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 100 क्वेश्चन किए जाएंगे पेपर फर्स्ट में, जो कि 90 मिनट का होगा। 100 मार्क्स के होंगे मैक्सिमम और निगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है। सबसे खुशी की बात तो ये है किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर सेकेंड की बात करें तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से 50-50 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होंगे, 150 के पूछे जाएंगे। और बात करें क्या सेकेंड पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है सेकेंड पेपर में, जो कि 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाएगा। जूनियर स्टेनोग्राफर का क्या स्ट्रक्चर है एग्जाम का, देख सकते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन है, जो कि 50-50 100 क्वेश्चन करके सेम क्वेश्चन से नंबर के हैं, 0.25 यानी कि 1/4 यहाँ पे माइनस मार्किंग रखी गई है। अब बात आती है, अब आप अपने एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे तब आपकी टेस्ट ली जाएगी, जो कि स्टेनोग्राफर की जो टेस्ट होगी वो आपका इंग्लिश या हिंदी में, शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, जो कि यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशनड है, आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी और भी इसका पूरा डिटेल जानने के लिए कैसे इसमें अप्लाई करें, कहाँ से ऑनलाइन लिंक प्राप्त करें, कहाँ से PDF डाउनलोड करें, कहाँ से पूरे एडवर्टीजमेंट को देख पाएँ, और भी बहुत सारे सवाल जो मन में एडवर्टीजमेंट को लेकर के होते हैं, वो सारी बातें मैंने अपने वेबसाइट पर लिख रखी है। मेरे वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से ये आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहीं से अप्लाई ऑनलाइन आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मेरे वेबसाइट तक कैसे पहुँचे वीडियो के लास्ट में सुन लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मेरे वेबसाइट पर आने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाएंगे और यहाँ आपको टाइप करना है 2012 सरकारी नौकरी बिना किसी स्पेस के, स्पेलिंग वगैरह ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आपको इंटर कर देना है, यानी कि सर्च पर क्लिक कर देना है और सबसे पहला लिंक मेरे वेबसाइट का आपको मिल जाएगा, जिससे इस पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे उस पर क्लिक करेंगे मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे।